हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी और आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस द डिफरेंट कॉजेज ऑफ स्ट्रेस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड द मेन थिंग इज वॉट द टिप्स टू स्ट्रेस मैनेजमेंट इन दैट वी विल गोइंग टू सी द फोर एज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सो मीनिंग अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेस क्या है इट कैन बी आवर मेंटल फिजिकल इमोशनल एंड बिहेवियरल रिएक्शन टू एनी थिंग अबाउट द आइदर थ्रेड्स कोई डिमांड रहेगी उससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड एंड बॉडी परसीव करती है दैट इज वॉट द स्ट्रेस इट मीन्स व्हाट वेयर एंड टीयर आर बॉडी एंड द बॉडी एक्सपीरियंसेस एज वी टू कोप अप टू द प्रेशर इट इज़ जस्ट द रिएक्शन टू द रियल और इमेजिनेटेड थिंगस और इवेंट और एनी अनएक्सपेक्टेड थिंग राइट सो दैट इज़ वॉट यूर स्ट्रेस फिर बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रेस क्या है आपका जो फ्रस्ट्रेशन आता है आपके जो नर्वसनेस या कोई भी आपके इमोशन्स बाहर आते हैं दैट इज़ नथिंग बट द स्ट्रेस इट इज़ इन इन शॉर्ट इट इज़ वॉट यूर बस्ट सो बेसिकली द स्ट्रेस इज वॉट वॉट यूर बॉडी एंड माइंड परसीव अबाउट द सर्टन थिंग्स दिस इज वाट द स्ट्रेस ओके एंड दॉेस ऑफ स्ट्रेस नेक्स्ट तो क्या है फर्स्ट इज वर्क लाइफ बैलेंस अभी वर्क लाइफ बैलेंस क्या है यू हैव टू बैलेंस वॉट इज योअर लाइफ योर पर्सनल लाइफ एंड योअर प्रोफेशनल लाइफ सो यू शुड बी बैलेंस दैट थिंग्स मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कुछ इवेंट है तो Uh, आपका ये रहता है चलो ऑफिस होने के बाद मुझे जल्दी से घर पे पहुंचना है और ऑफिस बंद होने से पहले आपको कुछ आ जाता है काम और आपको डेडलाइन दी जाती कि नहीं नहीं आपको ये फिनिश करके ही जाना है सो इट क्रिएट्स वॉट द स्ट्रेस राइट सो बिकॉज ऑफ़ इम्बैलेंस इन योर लाइफ दैट क्रिएट्स द स्ट्रेस एंड ऑल्सो द डेडलाइन जो मैंने अभी बताया कि आपको एक प्रेशर रहता है कि नहीं आपको ये काम अभी अभी करना है स्टूडेंट्स के सामने डेडलाइन uh, रहती है टू सबमिट द असाइनमेंट जो ऑफिस के बारे में अगर हम सोचते हैं तो दे हाव टू फुलफिल फुलफिल देअर काम विद इन द टाइम सो डेडलाइन के कारण भी स्ट्रेस हो जाता है समटाइम अनरियलिस्टिक डिमांड हम चाहते हैं कि मल्टी टास्क करें राइट बट हम ऐसा सोचते कि नहीं मुझे ये काम भी करना है वो काम भी करना है अगर uh, स्टूडेंट के साथ होता है ना कि चलो जब एग्जाम रहेंगे हम uh, फटाफट ये मेरे टॉपिक्स तो एक दिन में हो जाएंगे बट जब काम करना शुरू करते हैं स्टडी करना शुरू हो जाता है तो हमें पता चलता है नहीं ये तो एक दिन में होने वाला नहीं है सो so, दिस इज वॉट अनरियलिस्टिक डिमांड के कारण भी स्ट्रेस आ जाता है मनी वरीज करियर कंसर्न उसके कारण भी एक स्ट्रेस आ जाता है समटाइम द कंफ्लिक्ट बिटवीन योर कलीग्स योर फैमिली मेम्बर्स या फिर वर्क uh, रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है उसके कारण भी स्ट्रेस आ सकता है एंड अल्सो द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर कोऑर्डिनेटर्स आपके जो ऑफिस कलीग है या घर से भी अगर आपको वो सपोर्ट नहीं है इट क्रिएट द स्ट्रेस अल्सो द रिलेशनशिप चैलेंजेस हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़ा है फैमिली इश्यूज है या आपका जो रिलेशनशिप है टूवर्ड्स यूर कलीग सो इट ऑल्सो क्रिएट द स्ट्रेस राइट और हरासमेंट harassment, अगर हरासमेंट्स के बारे में बोलना है तो आजकल सोशल प्रेशर रहता है ना बुलिंग का एंड ऑल सो उसके कारण भी आजकल तो लोगों को ये भी स्ट्रेस आता है अरे मैंने ये वीडियो बनाया फिर भी मुझे लाइक्स नहीं आ रहे कमेंट्स नहीं आ रहे मैं इतना करता हूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेसेस राइट या फिर आपके नज़दीक के किसी आ, पीपल की आपके जो रिलेटिव उसकी उनकी डेथ हो चुकी है इट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ द स्ट्रेस नाउ हम देखते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एक पॉजिटिव स्ट्रेस एंड दूसरा stress. Stress है निगेटिव स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस को बोला जाता है यू स्ट्रेस एंड निगेटिव स्ट्रेस को बोला जाता है डिस्ट्रेस अभी हम इन डिटेल देखते हैं कि पॉजिटिव स्ट्रेस मतलब क्या सो so, जो जैसे मैंने बताया कि यू स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस इट इज एनर्जाइजर्स एक होता है ना कि आपको एक मोटिवेशन देता है कि नहीं ये मुझे एक शादी है घर में तो उनको एक स्ट्रेस होता है बट एट द एंड उनको पता है ये सक्सेसफुल होने के बाद एक अच्छा माहौल होने वाला है सो so, जी ये जो पॉजिटिव स्ट्रेस है इट मोटिवेट यू टू मेक द चेंजेस इट गिव्स द पॉजिटिव आउटलुक एंड इट मेक्स कैपेबल टू ओवरकम वॉट एवर द ऑब्सटिकल्स आर देयर फॉर एग्जाम्पल अगर आप नया जॉब ज्वाइन करते हो आप किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले हो बिजनेस होता है या फिर आपको बोला जाता है कि नहीं अभी आपका प्रेजेंटेशन है एट दैट टाइम जो स्ट्रेस आता है ना दैट इज वॉट पॉजिटिव स्ट्रेस बिकॉज इट मोटिवेट्स यू इट गिवस यू एनर्जी इट इज़ एक्चुअली द शॉर्ट टर्म हम होते हैं ना गूजबम आ रहे काइंड ऑफ दैट सो इट फील्स एक्साइटिंग एंड एट द एंड वॉट द इट इम्प्रूवज यूर

कभी कभी लोग अल्कोहल एडिक्टेड होते हैं यानी उनको एडिक्शन हो जाता है या फिर आजकल तो डायबिटिक्स प्रिडिक्ट होता है सो दिस इज़ व्हाट बिकॉज ऑफ आपका जो ये निगेटिव आप स्ट्रेस लेते हो ना उसके कारण राइट सो पॉजिटिव स्ट्रेस आपको मोटिवेट करता है निगेटिव स्ट्रेस आपको लूज़ करता है आपको आपका परफॉर्मेंस कम कर देता है नाउ वी विल सी वॉट आर द टिप्स टू ओवरकम द स्ट्रेस सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अगर आप देखते हो तो फोर एज ऑफ दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट अवॉयड अडाप्ट अल्टर और एक्सेप्ट मतलब अगर चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो तो उसको अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड कर दो अगर सिचुएशन आप अडेप्ट uh, कर सकते हो तो उसको अडेप्ट कर लो या फिर अल्टरनेट आप चूज दो कोई भी अगर सिचुएशन है इंस्टेड ऑफ दैट स्ट्रेस या एक्सेप्ट द थिंग्स एज यू कैन नॉट चेंज आपको पता है आप नहीं चेंज कर पाओगे तो यू एक्सेप्ट दैट सो देर आर फ्यू टिप्स अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट उसमें से फर्स्ट है गेट रेगुलर एक्सरसाइज यू शुड बी फिट यू शुड टेक अ प्रॉपर डाइट प्रॉपर स्लीप राइट बिकॉज वो एनर्जी आपको देगी हम बोलते हैं ना लाफ थेरी लाफिंग थेरी बिकॉज वो आपको uh, रिफ्रेश करती है मेडिटेशन इट इज़ इज़ल्सो वन ऑफ द टू मैनेज your स्ट्रेस also गेट अ हॉबी आप इन्वॉल्व हो जाओ किसी काम में भी क्योंकि तो क्या होता है जब हम उसी बारे में सोचते रहते हैं ना हमें और स्ट्रेस हो जाता है सो so, we वी शुड बी एंगेज with our hobby हॉबी जैसे ड्राॅइंग है पेंटिंग है म्यूजिक सुनना है एंड मेन थिंग इज व टेक अ ब्रेक अगर आपको लगता है ना एक काम पर आप कंटिन्यूस कर रहे हो कर रहे हो और फिनिश नहीं हो रहा है उसका भी एक स्ट्रेस आ जाता है सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक अ ब्रेक एंड गिव योर सेल्फ टाइम दैट इज़ वॉट मी टाइम आज कल वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको खुद के लिए टाइम देना है यू कैन लिसन दू म्यूजिक एंड आल्सो यू कैन स्पेंड द टाइम विद अ फैमिली एक कहीं पर मैंने मैसेज पढ़ा था कि वो बोल रहे थे अरे आज मेरा नेट नहीं है तो नेट नहीं चालू हो रहा है तो मैंने मोबाइल बाजू में रख के मैंने मेरे फैमिली के साथ डिस्कस किया तो वो मुझे लोग अच्छे लगने लगे जर्स अपार्ट मतलब क्या कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको अच्छा लगेगा यू कैन स्पेंड योर टाइम विथ योर चिल्ड्रंस राइट सो यू ऑल्सो कैन फाइंड द सपोर्ट सिस्टम है कोई होता है आपका फ्रेंड आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ बात करके भी यू फील रिलैक्स एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कि लर्न टू से नो मतलब हम क्या करते हैं कि कोई भी काम आता है ना आ, मतलब पहले से आप एक काम कर रहे हो दूसरा किसी बॉस ने आपको दे दिया आपके कलीग ने दे दिया और आप वो बोलते हो हाँ हाँ मैं करूँगा बट वो टाइम लिमिट में नहीं होता है उसका भी एक स्ट्रेस होता है सो यू शुड लर्न टू से नो जितना आप काम कर सकते हो कैपेबल हो उतना ही एक्सेप्ट कर लो ना कि बहुत से ओवरबर्डन हो जाओ सो दिस इज़ वॉट द टिप्स फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अगर अच्छा लगे तो लाइक करो शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू बाय